हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप अपना जो CUET UG का एडमिट कार्ड है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। सो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिनको अक्सर दिक्कत आती है। अगर आपको दिक्कत नहीं आती है तो आप वीडियो को थोड़ा फास्ट करके भी देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट थोड़ा मतलब उनको प्रॉब्लम होता है ना, उन सब के लिए स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सबसे पहले अपने फ़ोन में या अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके अंदर आप क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, आपने कर लिया इतना। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको गूगल सर्च कर लेना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। अब इसके आगे का जो स्टेप है उसको आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल के अंदर CUET, ठीक है, CUET UG 2024, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसको हम लोग सर्च करते हैं। जैसे ही आपने इसको सर्च किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG एग्ज़ाम NDA, इस पर आपको क्लिक करना है, ना कि अदर किसी लिंक पर, क्योंकि नीचे और भी लिंक काफ़ी सारे यहाँ पर आर्टिकल वगैरह आते हैं, उस पर आपको नहीं करना है, आपको करना ऊपर वाले पे। ठीक है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर आप लोग जो है वो देख पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन स्लिप इज़ लाइव, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक ऑप्शन आपको एडमिट कार्ड का दिखेगा। या तो आप जो है उस लिंक पे क्लिक करके और अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है यहाँ पर आपको देखिए दो ऑप्शन अभी दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखिए क्लिक हायर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए जो कि यहाँ लिखा हुआ है लॉगिन का, क्लिक हायर फॉर लॉगिन। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, लॉगिन करोगे, तो वहाँ एक सेक्शन जो है वो आपको दिखाई देगा, इस तरीके का कॉलम बना हुआ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करके अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। अब अभी आपका एडमिट कार्ड फ़िलहाल आया नहीं है, तो 10 से 11 मई के बीच आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन डाउनलोड कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है गाइस अपनी वीडियो के माध्यम से। तो होपफुली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा जिनको नहीं पता अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज़।